हम लोगों का न्यू टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो हम लोग इस चैप्टर का कुछ फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे। मतलब तो देखो, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि मेनली हम लोग केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो हम लोगों का मेनली जो स्टडी जो फोकस होता है वो केमिकल रिएक्शंस पे होता है। और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, देखो केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन में नॉर्मली पार्टिसिपेट कौन करता है भाई? रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम लोगों का मेनली जो केमिस्ट्री होता है वो रिएक्शंस के अराउंड या फिर इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर हम लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो देखो, किसी भी एटम में देखो दो ही पार्ट होते हैं। एटम में या तो एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्पेशली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड बनाते हैं, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में मेनली फोकस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे करते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन पे करते हैं। पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोगों को जो सारा फोकस होगा वो न्यूक्लियस ऑफ एटम पे होगा कि न्यूक्लियस कैसे क्या क्या कर सकता है किसी भी रिएक्शन में, फिर न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक टर्म सीखते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी हेनरी बैक्वरेल, या बैक्वरेल आप स्पेलिंग मतलब देख लो, बैक्वरेल, ठीक है, आप बैक्वरेल भी बोल सकते हो, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो। हेनरी बैक्वरेल एक साइंटिस्ट थे एक्चुअल में। जी एक्चुअल में लेट 19 सेंचुरी की बात थी, मीन्स 1880s या 1890s की बात थी एक्चुअल में। तो उन्होंने क्या है कि देखा कि एक एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम। इन्होंने क्या देखा, एक एलिमेंट है यूरेनियम, और अगर आप यूरेनियम को ऐसे रूम में रख देते हो वहाँ पे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, तो इन्होंने देखा कि यूरेनियम क्या होता है, कुछ पार्टिकल को, कुछ रेडिएशन को इमिट करता है एक्चुअल में। तो इन्होंने देखा कि यूरेनियम जो होता है वो मतलब एक एलिमेंट है यूरेनियम, वो कुछ पार्टिकल को या फिर कुछ रेडिएशन को इमिट करता है। तो उनको एक्चुअल में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इस फिनोमिना को बोला दिस इज यूरेनी, यूरेनी फिनोमिना, ठीक है, उसको यूरेनी बोल दिया। मतलब बोला एक्चुअल में यूरेनियम, मान लेते हैं यूरेनियम है, मतलब सिंपल यूरेनियम। उन्होंने देखा यूरेनियम जब रूम में रखा है तो खुद से कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्टिकल को इमिट करता है, और उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने बोल दिया कि दिस इज यूरेनी फिनोमिना, यूरेनी मतलब कि ये यूरेनियम का स्पेशल फिनोमिना, ये बोला यूरेनी फिनोमिना। तो बाद में चल के एक्चुअल में एक साइंटिस्ट और हुई, मतलब एक्चुअल में हुई, मतलब इनका नाम था मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, और जिनको हम लोग कई बार बोलते हैं मैडम क्यूरी। तो इन्होंने एक एलिमेंट देखा एक्चुअल में, एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसमें डिस्कवर हुआ एक्चुअल में, और उस एलिमेंट का इन्होंने ही नाम दिया एक्चुअल में, इन्होंने ही नाम दिया मैरी क्यूरी। एक्चुअल में बिलोंग करती थी पोलैंड से, मतलब ओरिजिनली तो पोलैंड से बिलोंग करते थे, पर इन्होंने अपना स्टडी रिसर्च फ्रांस से किया था। तो क्योंकि पोलैंड से बिलोंग करती थी तो पोलैंड के लिए इनका थोड़ा अलग सा अट्रैक्शन था। तो एक एलिमेंट नया नया डिस्कवर हुआ, तो उन्होंने उस एलिमेंट का नाम रखा पोलोनियम। पोलोनियम नाम क्यों रखा, क्योंकि वो पोलैंड से बिलोंग करते थे। पोलैंड, अरे पता होगा ना, कंट्री पोलैंड जर्मनी के बगल में, तो पोलैंड एक कंट्री, तो वो पोलैंड से बिलोंग करते थे मैरी क्यूरी। तो एक एलिमेंट नया नया डिस्कवर हुआ तो उन्होंने उस एलिमेंट का नाम रखा पोलोनियम। उन्होंने क्या देखा, ये जो एलिमेंट है पोलोनियम, ये भी कुछ रेडिएशंस को, कुछ पार्टिकल को एमिट करता है लाइक यूरेनियम। तो इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने फिर वो जो फिनोमिना था इसका नाम था यूरेनी, उसको हटा दिया, उन्होंने बोला कि रेडियो एक्टिविटी। तो इन्होंने इस फिनोमिना का नाम दिया मैरी क्यूरी का नाम दिया हुआ, ध्यान रखना, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी। तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ एटम्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है,
तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके। एक बात ध्यान रखना, ये बात पूरे साइंस के लिए ट्रू है, जब किसी भी एटम में मॉलिक्यूल भी जो भी है, अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर एनर्जी मीन्स मोर रिएक्टिव। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ही एनर्जी वाले होते हैं तो वो खुद से ही कुछ ना कुछ पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट करने लगते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके। तो इस फिनोमिना को इन्होंने बोला रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया हेनरी बेक्वेरल ने। इसने देखा यूरेनियम में कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, पर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसके बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च किया मैरी क्यूरी ने, उनको एक मतलब एक नया नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ। आपको पता होगा उस समय कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, उसमें एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ और देखा कि ये एलिमेंट भी लाइक यूरेनियम कुछ पार्टिकल्स को रेडिएशंस को मिट करता है। नया नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ था तो इन्होंने ही उसका नाम रख दिया पोलोनियम, नाम रख दिया, बोला पोलोनियम भी लाइक यूरेनियम आपका रेडिएशंस को या पार्टिकल को मिट करता है, और उस फिनोमिना के इन्होंने नाम दिया, बोला ये है फिनोमिना रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसका हिस्ट्री, आप अपने अकॉर्डिंग जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने सब समझा दिया, आप अपने लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो लिखो इसमें क्या होता है, लिखो व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अनस्टेबल एंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, सो इट रिलीजेस सम पार्टिकल एंड रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी टू डिक्रीज द एनर्जी एंड टू बिकम स्टेबल। मतलब भाई, इट रिलीजेस पार्टिकल एंड रेडिएशन ऑफ वेरी हाई एनर्जी टू डिक्रीज द एनर्जी एंड टू बिकम स्टेबल। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो रेडियो एक्टिविटी टेक प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। In this, stability of nucleus increases due to decrease in energy. ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो ड्यू टू रेडियोएक्टिविटी sometimes identity of element changes and sometimes identity of element remains the same. मतलब जब रेडियो एक्टिविटी होता है तो कई बार एलिमेंट की आइडेंटिटी बदल जाती है, कई बार नहीं बदलती, डिपेंड करता है एक्चुअल में, मतलब कौन सा पार्टिकल एमिट करता है उस पर डिपेंड करेगा, अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे वो। तो कई बार उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है और कई बार उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि कई बार उसकी आइडेंटिटी बदलेगी, कई बार उसकी आइडेंटिटी मतलब कई बार बदल जाएगी, कई बार नहीं बदलती। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो फिर आपको वो पार्टिकल को एमिट करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करने के लिए या फिर इस पर वर्क करने के लिए आपका हेनरी बेक्वेरल, मैरी क्यूरी एंड इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज 1900 में स्टार्ट हुआ था, तो इन तीनों को रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए, रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, किसको एक साथ मिला था, ज्वाइंट मिला था, हेनरी बेक्वेरल को एंड मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। पेरी क्यूरी वॉज हस्बैंड ऑफ मैरी क्यूरी। ठीक है, या मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे वो। मैडम क्यूरी एक्चुअल में उन रेयर पर्सन में है जिनको नोबेल प्राइज दो बार मिला है। इनको फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी पे नोबेल प्राइज मिला था फॉर केमिस्ट्री, बाद में मैडम क्यूरी एंड इनकी डॉटर, मुझे डॉटर का नाम तो नहीं पता, पर इनकी डॉटर के साथ इनको ज्वाइंट मतलब फिर से नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये इवन एक ऐसा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर साइंस जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कॉमन टॉपिक एक्चुअल में है, तो इस पे एक्चुअल में केमिस्ट्री के लिए मतलब मैरी क्यूरी को दो बार नोबेल प्राइज मिला है, फर्स्ट टाइम विथ हर हस्बैंड एंड सेकेंड टाइम विथ हर डॉटर, एंड दो बार वो रेयर पर्सन है मतलब कुछ ही लोगों को मिला है दो बार नोबेल प्राइज, उनमें एक मैरी क्यूरी भी है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें समझते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखो उसमें होता क्या है,
जैसे मान लेते अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो नॉर्मली वो तीन पार्टिकल्स को मीट करता है, मतलब दो पार्टिकल्स को मीट करता है रेडियस नॉर्मली, पर इसमें कुछ ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो नॉर्मली अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, नॉर्मली अ अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल, इमिट अल्फा, ऐसे लिख लो, ये इसका सिंबल अल्फा पार्टिकल कॉमा बीटा, ये ऐसा बी लिखना है, इस तरीके से बी लिखना है, बीटा पार्टिकल एंड गामा, गामा का सिंबल देखो ये आर को ऐसे घुमा के, ठीक है, गामा रेडिएशन। नॉर्मली रेडियो एक्टिव पार्टिकल इमिट अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन, ठीक है, नॉर्मली वो इनको इमिट्स करता है, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में सब कुछ समझते हैं कि किसका क्या चार्ज होता है, क्या क्या होता है। तो जो अनस्टेबल होता है तो अपने आप से इमिट करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखो आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो चार्ज ऑफ, नीचे लिखो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज प्लस टू एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज फोर एम यू, फोर एम यू मतलब फोर एटॉमिक मास यूनिट। अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन, जैसे अगर आपके पास हीलियम आयन है तो हीलियम आयन का देखो चार्ज होगा प्लस टू एंड मास होगा वही फोर एम यू, तो ये हीलियम आयन के न्यूक्लियस के सिमिलर होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि अल्फा का चार्ज होता है प्लस टू एंड मास होता है प्लस फोर। अगर कोई एलिमेंट अल्फा को एमिट करेगा तो उसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर में टू का डिक्रीज आएगा और मास नंबर में ध्यान रखना फोर का डिक्रीज आएगा। तो इसमें नीचे लिखो लिखो इफ एनी एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, इमिट्स अल्फा पार्टिकल देन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस बाय टू एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस बाय फोर। तो उसका एटॉमिक नंबर टू से डिक्रीज करेगा एंड मास नंबर फोर से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो एक एलिमेंट है एक्स, अगर इसका एटॉमिक नंबर सपोज करते हैं जेड है और मास नंबर ए, यही तो इसका सिंबल होता है, ए बी सी ऑफ केमिस्ट्री में बताया था, एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, अगर वो अल्फा को एमिट करता है, ठीक है, अल्फा का क्या होगा ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर टू एंड मास नंबर फोर, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बदल चुका है, अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो पता है एलिमेंट बदल गया है, तो इसका सिंबल ध्यान रखना बदलना होगा, इसको मैंने जेड एक्स से कर दिया वाई, ठीक है। एटॉमिक नंबर चेंज मीन्स एलिमेंट इज चेंज मीन्स आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज चेंज, समझ में आ रहा, आइडेंटिटी बदल गया, अरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही बदल गया तो अलग एलिमेंट आ गया, सब कुछ बदल गया, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर विल बी जेड माइनस टू एंड मास नंबर विल बी ए माइनस फोर। सो जब भी अल्फा एमिट होगा ध्यान रखना है तो एटॉमिक नंबर को टू से डिक्रीज करना है, मास नंबर को फोर से डिक्रीज करना है। ऐसे केस में ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का मास और लेफ्ट साइड और राइट साइड का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो देखो ए और इनका समेशन में देखो ए आएगा, देखो जेड और इसका समेशन में देखो जेड आएगा, ठीक है, ये हो गया अल्फा। तो जब भी अल्फा एमिट होता है तो एलिमेंट की आइडेंटिटी बदल जाएगी और अल्फा मतलब भाई किसी भी पार्टिकल के इमिट करने से एनर्जी डिक्रीज होता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया आपका अल्फा पार्टिकल, भाई इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फिर सेकेंड लिखते बीटा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इज माइनस वन, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इज माइनस वन एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है, आपको पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस वन एंड मास होता है जीरो, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इज मतलब सॉरी बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन तो सबसे पहले यही आता है कि भाई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यूरेनियम है अनस्टेबल है,
तो ये अल्फा को रिलीज कर सकता है, बीटा को रिलीज कर सकता है, या फिर गामा को रिलीज कर सकता है। ठीक है, अल्फा को रिलीज किया, चलो पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया समझ में आता है, गामा वैसे कुछ नहीं होता चलो समझ में आता है, पर बीटा का मतलब माइनस चार्ज। क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस में माइनस चार्ज कहाँ से है, मतलब इमाली यूरेनियम में इसने बीटा रिलीज किया, बीटा रिलीज करने का मतलब ये है कि उसने माइनस चार्ज रिलीज किया, मतलब माइनस चार्ज कैसे आएगा। तो देखो होता क्या है, देखो होता क्या है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, वो जो न्यूट्रॉन होता है, आप लोगों को अगर याद होगा न्यूट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, या आप उतना ध्यान भी मत दो, तो चलो जो न्यूट्रॉन जो होता है एन जो होता है एक्चुअल में, ये ब्रेक कर जाता है एक प्रोटॉन में। देखो न्यूट्रॉन का, देखो न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, नीचे वाला जेड जो होता है एटॉमिक नंबर, वो चार्ज नीचे वाला चार्ज होता है ऊपर वाला मास, और न्यूट्रॉन का मास होता है वन, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो मास वन। तो एक न्यूट्रॉन ब्रेक करता है एक प्रोटॉन में, मतलब प्रोटॉन का देखो चार्ज होगा प्लस वन एंड मास होगा वन, और आपको मैंने बताया कि ऐसे केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होगा, तो चलो मास तो ठीक है सेम होगा, पर इसका चार्ज प्लस वन हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज माइनस वन होगा और इसका मास जीरो। तो देखो ये आपका होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है एक्चुअल में वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है, तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस वन, इसका चार्ज माइनस वन, प्लस वन माइनस वन को मिलाओगे चार्ज जीरो, तो जीरो चार्ज, इसका मास वन इसका मास जीरो, तो इसको मिलाओगे तो आपका वन आएगा। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ब्रेक करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकलता है, तो यही आपका होता है बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मतलब है, और इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा आपका न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन ब्रेक करता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन ब्रेक करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब इसमें देखो समझो, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन पड़ा रहा, मतलब प्रोटॉन अगर पड़ा रहा तो आपको पता होता है प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर, तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर वन से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, लिखो इन केस ऑफ बीटा डीके न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इंटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बीटा पार्टिकल। तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो व्हेन व्हेन एनी न्यूक्लियस इमिट बीटा पार्टिकल, व्हेन एनी न्यूक्लियस इमिट बीटा पार्टिकल देन मास ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस, वो जो बनता है वो, देन मास ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस डस नॉट चेंजेस बट एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियस, देन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाई वन, तो एटॉमिक नंबर उसका वन से बढ़ जाता है। देखो होता क्या है, इसमें समझो, अगर एक एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, अगर वो एक बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा, बीटा का चार्ज होता है माइनस वन और मास जीरो, तो आपको बताया था लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम रखना है, क्योंकि ये वन से डिक्रीज कर गया, तो देखो तो इसको हम लोग क्या करेंगे जेड प्लस वन, अरे जेड प्लस वन माइनस वन तभी तो सेम आएगा, तो याद रखना जब भी बीटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर वन से बढ़ जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं, तो ये आपका होगा। तो अल्फा के केस में एटॉमिक नंबर टू से कम होता है, एटॉमिक नंबर टू से अल्फा के केस में, और मास नंबर फोर से कम होता है, इसके केस में मास सेम रहेगा और उल्टा एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा बीटा पार्टिकल। तो ये आपका था सेकंड, नॉर्मली एक न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा को रिलीज करता है, तो देखो इसमें थर्ड है गामा, गामा एक्चुअल में रेडिएशन है। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, तो कई बार हो सकता है एनर्जी जो रिलीज कर उसमें कोई चार्ज ना हो कोई मास ना हो सिर्फ एनर्जी हो, तो गामा एक रेडिएशन है लाइक एक्सरे अल्ट्रावायलेट, वैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको बोलते हैं लाइक लाइट, जो जिसमें मास तो होता है पर कोई चार्ज या फिर आपका कुछ भी मतलब इसमें एनर्जी तो होता है, सॉरी इसमें एनर्जी तो होता है पर इसमें कोई चार्ज या फिर मास नहीं होता। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो वेरी हाई एनर्जी न्यूक्लियस रिलीजेस सम एनर्जी
in the form of radiation. This radiation may have zero charge and zero mass. So this radiation of high energy is known as gamma radiation. It is also a electromagnetic wave. ठीक है ये. तो गामा का क्या होता है, ध्यान रखना, इसका चार्ज भी जीरो होता है और इसका मास भी क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लाइक आपका लाइक लाइट लाइट के जैसे होता है. ठीक है, और ये याद रखना है कि गामा को रिलीज करने के, मतलब गामा में एनर्जी होता है, तो मतलब जैसे मान लो न्यूक्लियस ये अनस्टेबल है तो गामा को निकाल देगा, मिस एनर्जी निकाल देगा जिससे वो स्टेबल हो जाए. ठीक है, तो गामा की वजह से ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस पे कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज क्या आएगा, डिक्रीज इन एनर्जी, सो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इसमें नीचे लिखो लिखो व्हेन एनी न्यूक्लियस इमिट गामा रेडिएशन देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट चेंजेस बट ड्यू टू रिलीज ऑफ गामा रेडिएशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस. ठीक है, आपका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करता है, सो आपका स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है. तो गामा की वजह से क्या होता है, एनर्जी आपका इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, पर फिर भी चलो थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, थोड़ा सा. तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये आपके पास वेव होते हैं, वेव सिग्नल जो एयर में ट्रेवल करते रहते हैं, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, जो आपको पता है. तो मैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिस्ट लिख देता हूं, और आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता ही होगा कि जो एनर्जी ऑफ लाइट जो होती है, एनर्जी वो क्या होता है, एच न्यू, या फिर एनर्जी ऑफ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है एच सी बाई लेमडा. तो न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी. अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, या अगर उसका लेमडा ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी कम. तो कुछ लिख देते हैं एक बार फिर से, एक बार ध्यान रखना कि गामा एक बहुत पावरफुल रेडिएशन, बहुत पावरफुल, मतलब गामा अगर आपकी बॉडी से एक बार गुजर गया तो आप समझ लो कि आपकी मतलब बॉडी के अंदर डीएनए या आरएनए में कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे, और आपका हो सकता है बॉडी का आपको कैंसर हो जाए, फिर बॉडी का आपको डीके बहुत फास्ट हो जाए, तो आपकी बॉडी पर इसका बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट होगा. मतलब गामा इज़ अ वेरी पावरफुल रेडिएशन. तो आप लोगों को पता होगा यूवी की वजह से कैंसर हो जाता है, और यूवी से तो गामा कम से कम 1000 times इससे ज़्यादा पावरफुल है. तो उससे समझ लो अगर वो आपके बॉडी से गुजर गए तो आपका फिर क्या होगा. तो अब देखो होता क्या है, एक ऐसे लिख लेते हैं कॉस्मिक रे, बस ऐसे एक ऑर्डर, फिर उसके बाद होता है गामा, फिर उसके बाद होता है एक्सरे. एक्सरे इज ऑल्सो वेरी पावरफुल रेडिएशन. तो बार बार एक्सरे करने से भी आपको मतलब कुछ परमानेंट डैमेज हो सकता है, फिर आपको कैंसर हो सकता है. फिर उससे कम होता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल है एक्सरे, ये बात को ध्यान रखना. फिर उससे कम होता है विजिबल, जो हमको जैसे चीज़ें दिखाई देती है लाइट. फिर उससे कम होता है इंफ्रारेड. फिर उससे कम होता है माइक्रोवेव. अरे माइक्रोवेव वही भाई जो खाना पकाने के लिए यूज़ होता है. और उससे कम होता है रेडियो वेव. अरे रेडियो वेव मतलब सबसे पहले ये मतलब है क्या कि इसमें देखो ऊपर से नीचे पहले आने पे देखो है क्या, ऊपर से नीचे आने पे लेमडा बढ़ रहा है, या फिर ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी कम हो रहा है. तो इसका जो लीस्ट एनर्जी है, मतलब ये लीस्ट हार्मफुल है, लीस्ट एनर्जी है. तो रेडियो वेव का सबसे पहली बार रेडियो वेव का यूज किया गया था एक्चुअल में रेडियो के लिए. अरे सबसे पहले डिस्कवरी रेडियो की हुई थी, तो इसका पहली बार रेडियो वेव को यूज़ किया गया था रेडियो के लिए. मतलब एक वेव को यूज़ किया गया था रेडियो के लिए, उसको नाम रख दिया रेडियो वेव. बाद में चल के इसी वेव के एक पार्ट का यूज़ किया गया है टेलीविजन के लिए, फिर एक पार्ट का यूज़ किया गया मोबाइल में भी इन्हीं सब का यूज़ होता है. लीस्ट एनर्जी रेडिएशन होते हैं, मतलब ज़्यादा हार्मफुल होते नहीं है. देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, जैसे मान लो मोबाइल में जो रेडिएशन होते हैं, पता होगा ना मोबाइल में जैसे, तो आज से करीब करीब 15 साल पहले जब मोबाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले देखो आज से 20-25 ईयर्स पहले तो
मोबाइल का यूज स्टार्ट हुआ है, जब आप लोग मालूम नहीं पैदा भी नहीं हुए होगे तो उसमें मोबाइल का यूज स्टार्ट हुआ था। उसके पहले तो इंडिया में बहुत कम मोबाइल थे, पर आज से मतलब 20-25 ईयर्स पहले मोबाइल का यूज मतलब स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ था। फिर आज से 15 साल पहले कि मोबाइल काफ़ी सस्ता हो गया सडनली, रिलायंस ने एक्चुअल में काफ़ी लो रेट पे मोबाइल निकाले, उसके बाद क्या है कि मोबाइल सब लोगों के पास होने लगे। तो 15 साल पहले लोगों को के मन में ये डर था कि मतलब मोबाइल में रेडिएशन होते हैं जो हम लोगों के मतलब माइंड पे मतलब न्यूरो सिस्टम पे इफेक्ट कर सकते हैं, फिर उसका हम लोगों की बॉडी पे बैड इफेक्ट आ सकता है। ऐसा आज से 15 ईयर्स पहले लोगों के मन में डर था कि जब मोबाइल का मतलब यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया एक्चुअल में कि क्या इसका बैड इफेक्ट होता है, लोगों स्टार्टिंग में गेस किया कि ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया। और उसके 5 साल जब रिसर्च किया गया तो 2011-12 के आसपास अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकला कि उसका एक्चुअल में क्या इफेक्ट होगा इसका कोई प्रूफ नहीं। मतलब लोग गेस कर रहे थे कि मोबाइल की वजह से ये होगा वो होगा, पर लोगों ने बहुत यूज़ किया पर उसका कोई बैड इफेक्ट किसी के ऊपर दिखाई नहीं दिया। तो करंट टाइम पे तो एक्चुअल में आप ये मान के चलो कि मोबाइल में जो रेडिएशंस होते हैं जो आते हैं उसका हम लोगों पे बैड इफेक्ट होगा या नहीं होगा उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। मतलब अभी करंट कंक्लूजन तो ये है कि मोबाइल के रेडिएशन से हमारे बॉडी पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में कंक्लूजन तो यही है, स्टार्टिंग में ऐसा गेस किया जा रहा था कि इसका कुछ बैड इफेक्ट होगा पर उसका कोई भी कंक्लूसिव हमारे पास रिजल्ट नहीं है। तो करंट टाइम पे तो इसीलिए मतलब आज से इवन 10-12 साल पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था मोबाइल्स को यूज़ कम करें, मोबाइल का बैड इफेक्ट होता है, ये होता है वो होता है, हमारे माइंड पे मतलब बात करते तो रेडिएशन आता है, ये बहुत ही बातें की जा रही थी पर इसका कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या प्रूफ हमको नहीं मिला जिससे हम बोल सकें कि नहीं सच में ऐसा होता है। तो करंट टाइम पे क्योंकि हम लोग इसमें जो यूज़ करते हैं रेडिएशन वो रेडियो वेव है, उसकी एनर्जी बहुत कम होती है जिसका हमारी बॉडी पर निगलेजबल इफेक्ट, मतलब इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को आज तक हमको मिला नहीं। तो हम लोग मतलब नेट कंक्लूजन तो यही बोलेंगे कि इसका कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर होता नहीं, मतलब कोई भी प्रूफ है नहीं। हो सकता है फ्यूचर में मान लो कोई प्रूफ आ जाए, पर करंट टाइम पर तो यही माना जाता है कि मोबाइल रेडिएशन हैव नो इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट होता नहीं। ये तो होगा चलो गामा, मैंने कुछ रेडिएशंस लिख दिए, इसमें एक पार्टिकल और है जो आप लोगों को और समझना है, ये पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आप बोलोगे सर पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव बीटा, मतलब ये कि इसका चार्ज प्लस वन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था माइनस वन, इसका चार्ज है प्लस वन पर इसका मास है जीरो, इसको बोलते पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन तो इसको ऐसे लिखते पॉजिटिव बीटा, चार्ज इज प्लस वन बस मास इज जीरो, पॉजिटिव बीटा या फिर पॉजिट्रॉन कैसे इमिट होता है इसको समझते हैं। देखो बीटा के केस में क्या होता था भाई, बीटा के केस में न्यूट्रॉन ब्रेक करता था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, पॉजिट्रॉन के केस में क्या होता है जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज वन है मास वन, प्रोटॉन का चार्ज वन मास वन, तो ये ब्रेक कर जाता है किस में, ये ब्रेक करता है न्यूट्रॉन में। अरे न्यूट्रॉन तो पता होता है कि न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पड़ा रहेगा और साथ में ब्रेक करता है पॉजिटिव बीटा में, तो पॉजिटिव बीटा, अरे देखो एटॉमिक नंबर देखो सेम, अरे बैलेंस है और मास नंबर भी सेम, तो पॉजिटिव बीटा को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो कई बार न्यूक्लियस में क्या होता है एक प्रोटॉन ब्रेक कर जाता है न्यूट्रॉन और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, और पॉजिट्रॉन को इमिट करता है, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखो ये सब लिख लो, फिर नीचे लिखो देखो पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव बीटा पार्टिकल सम टाइम इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज डिसोसिएटेड इनटू न्यूक्लियस and positive beta particle, and this positive beta particle is emitted from the nucleus and it is known as positron, ठीक है। ये थोड़ा rare phenomena है, normally वो alpha beta gamma को emit करता है वही normally होता है, पर यह भी कभी कदार हो सकता है, अगर कभी positive beta दिखाई दे तो समझ लेना ये positron है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव बीटा है तो इसकी वजह से एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो याद रखना कि इसकी वजह से एटॉमिक नंबर वन से कम हो जाएगा पर मास नंबर सेम रहेगा। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन एनी एलिमेंट इमिट पॉजिट्रॉन,
पॉजिट्रॉन देन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस बाय वन एंड मास नंबर रिमेन द सेम। मतलब कि जैसे एटॉमिक नंबर है, अगर ये पॉजिटिव बीटा का मतलब भाई पॉजिट्रॉन है भाई, अगर एमिट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर वन से कम हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है कि कब एटॉमिक नंबर वन से कम होता है, कब एटॉमिक नंबर वन से ज़्यादा होता है, और गामा के केस में कुछ नहीं होता और अल्फा के केस में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर फोर से डिक्रीज करता है, गामा के मतलब सॉरी अल्फा के केस में एटॉमिक नंबर, अल्फा के केस में एटॉमिक नंबर टू से डिक्रीज करता है और जो मास होता है वो क्या होता है आपको फोर से इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ पार्टिकल अल्फा बीटा गामा डीके करेंगे, पर हम लोग कुछ चलो पॉइंट्स को लिख लेते हैं, तो इसमें नोट करके लिखो, कुछ नोट करके लिखो, नोट करके। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है वो है आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप 1s3, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। ये सबसे छोटा न्यूक्लियस है जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अरे अब देखो पहली बार, अच्छा ये बताओ इसके न्यूक्लियस पे एक ही प्रोटॉन है। अच्छा अल्फा को डीके करवाने के लिए कितने एटॉमिक नंबर चाहिए, दो कम से कम। ये मतलब अल्फा डीके नहीं कर सकता, इसके औकात के बाहर है अल्फा। अरे अल्फा के लिए दो प्रोटॉन चाहिए, इसमें तो एक ही प्रोटॉन है, तो ये काफी मतलब रेडियो एक्टिव होता है, तो नॉर्मली बीटा पार्टिकल है, गामा रेडिएशन को मीट करता है। ठीक है, अल्फा को कर ही नहीं सकता, इसमें तो इतना एटॉमिक नंबर नहीं, तो इसमें नीचे लिखो लिखो ट्राइटियम इज स्मॉलेस्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, इट इमिट्स बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन, और बीटा पार्टिकल इमिट करके वैसे हीलियम बन जाता है, और हीलियम तो स्टेबल होगा बीटा पार्टिकल। ठीक है, इट इमिट्स बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। ठीक है, याद रखना ये सबसे छोटा न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास न्यूट्रॉन होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लो, लिखो ऑल द एलिमेंट्स हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस बट 1H1 दैट इज प्रोटियम डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बस एक सिंगल एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक रूल है, मतलब रूल क्या, मतलब ये ऑब्जर्वेशन समझ लो कि ऑब्जर्वेशन, ऐसा कोई ऐसा मतलब क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं है, पर मान लो जैसे होता है ना कि भाई हमने जैसे 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट को हमने स्टडी किया और उसके हिसाब से लॉ बताया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, अरे हर एलिमेंट में न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन लो प्रोटॉन लो उसका रेशियो, तो हम लोगों ने क्या देखा, जब न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो जब 1 से लेके 1.5 के बीच में होता है, नॉर्मली जब न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में होता है तो उसमें क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस इज स्टेबल। तो आप अगर देखोगे स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के आप कोई भी एलिमेंट देखो उसमें देखोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 है या 1 के आसपास है। जैसे कार्बन में देखोगे, अरे कार्बन देखो एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, न्यूट्रॉन तो ये होता है ना 12 - 6 6, और प्रोटॉन भी 6, तो n/p का रेशियो देखो 1। तो आप स्टार्टिंग के एलिमेंट देखोगे उनमें n/p का रेशियो कम होता है, इसलिए स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट है बहुत स्टेबल है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है, जैसे आप देखो आगे के एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन, जैसे आयरन में देखोगे, आयरन में मतलब आयरन क्या होता है 26 और 56, तो देखो न्यूट्रॉन 30 होगा, बढ़ता जा रहा है। जैसे और आगे जाओगे मरकरी, देखो 80 और ये 200, मतलब 120/80। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो बढ़ता जाता है, तो जब रेशियो बढ़ता जाएगा तो अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल। और बहुत हायर एलिमेंट में क्या होता है कि n/p का रेशियो 1.5 से ज़्यादा होता है, तो फिर वो न्यूक्लियस क्या होता है, नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो लिखो ये पहले लिख लो, लिखो इफ n/p रेशियो इज बिटवीन 1 and 1.5 देन नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, देखो नॉर्मली का मतलब ये है कि एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑलवेज। ठीक है,
पर 95% जगह ये बात सही हो जाएगी, 95% जगह, पर 5% एक्सेप्शन हो सकता है, 5%। इस बात को ध्यान रखना कि नॉर्मली मैंने बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है, नॉर्मली मतलब कि एक्सेप्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो लिखो लिखो इफ एन बाई पी रेशियो इज बिटवीन 1 and 1.5 देन नॉर्मली न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट इज स्टेबल। नॉर्मली न्यूक्लियस ऑफ मतलब नॉर्मली न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट आर स्टेबल। ठीक है, एस वी मूव लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। इन केस ऑफ लोअर एलिमेंट नॉर्मली एन बाई पी रेशियो इज नियरली 1, सो लोअर एलिमेंट्स आर स्टेबल। बट एज वी मूव टूवर्ड हायर एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक नंबर, इन दैट एलिमेंट एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। इन केस ऑफ वेरी हायर एलिमेंट एन बाई पी रेशियो इज मोर देन 1.5, सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज लेस, सो दिस न्यूक्लियस इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हायर न्यूक्लियस में क्या होता है, एन बाई पी का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 1.5 से ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन को मीट करते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो अब देखो होता क्या है कि अल्फा की वजह से क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करता है, बीटा की वजह से क्या होता है, कुछ इंक्रीज करता है। तो हम लोग इन पे कुछ क्वेश्चंस को देखो अभी सॉल्व करते हैं कि अल्फा बीटा गामा डिके करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम लोग चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास जैसे मान लो यूरेनियम है, सपोज करते हैं 92 एटॉमिक नंबर, इसका मास ले लेते हैं, एक्चुअली यूरेनियम के बहुत से आइसोटोप होते हैं, बहुत से मान लेते मास इज 238। अगर इसने एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा तो बनाएगा थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है एंड मास इज 234। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है और मास नंबर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसमें चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज करते बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं आपके पास 215 है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा। अगर ये एक बीटा पार्टिकल को मिट करेगा तो याद रखना है कि बीटा पार्टिकल को मिट करने पे इसका एटॉमिक नंबर मतलब कई आइसोटोप होते हैं, ध्यान रखना, तो ऐसे लिख लिया है। तो बीटा पार्टिकल को मिट करने से एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, पर जो मास नंबर है वो ध्यान रखना वो बढ़ जाएगा, सो दिस विल बिकम पोलोनियम एंड मास विल दस रिमेन द सेम। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना जब भी अल्फा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसे इंक्रीज करेगा और ये आपका ऐसा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम लोग चलो इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको ध्यान से देखना। मान लेते हैं एक एलिमेंट है थोरियम, एटॉमिक नंबर है 90, मास मान लेते हैं मास नंबर है 232। इसने सपोज करते हैं कि मान लेते हैं इसने क्या है कि 4 अल्फा पार्टिकल एमिट किए एंड मान लेते इसने 2 बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो जो फाइनल जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मतलब 4 अल्फा एंड 2 बीटा, तो देखो सबसे पहले आराम से एक करके, पहले अगर 4 अल्फा डिक्रीज करोगे, मतलब 4 अल्फा डिक्रीज किया तो अल्फा को डिक्रीज करने से क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर मतलब 4 टाइम कम होगा, मतलब कि 2 2 2 2, मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा वो मान लेते अभी x एलिमेंट बना, अभी आराम से करते मैं भी इसका नाम चलो सर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 82 आएगा, वैसे लेड होता है वो। तो अगर 4 अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपको, 2 2 2 2, मतलब 4 बार डिक्रीज करेगा 2 2 करके, मतलब हो गए 82। ठीक है, अरे बैलेंस करना होता है आपको पता ही होता है, जो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो इसमें से 16 माइनस कर दो,
ठीक है, 60 माइनस कर दो क्या होगा, ये 216 लेड बनेगा। देखो ये लेड बनेगा, तो जब लेड बनेगा तो देखो क्या होगा, अगर 4 अल्फा पार्टिकल इमिट किया उसने तो एटॉमिक नंबर भाई, तभी तो देखो 8 और ये 82 तभी तो सेम होगा, और 232 तो 16 और ये, फिर इसने दो बीटा पार्टिकल को इमिट किया, तो यहाँ से दो बीटा पार्टिकल को निकाल दो। जब बीटा पार्टिकल को इमिट करोगे तो ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा, पर मास नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। सो ये इसका आंसर आएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ अल्फा बोल दे कुछ बीटा बोल दे और आपको फाइनली पूछे क्या होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलो इसमें एक दो आपका क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको लेते पीयू, प्लूटोनियम, अरे प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है, उसका एटॉमिक नंबर है 94 ले लेते हैं, मान लेते हैं मास इसको 240। ठीक है, इसने कुछ इमिट किया, मान लेते हैं कुछ इमिट कर रहा है, और इसने फाइनली बनाया लेड। ठीक है, लेड बनाया, एटॉमिक नंबर 82 मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, एंड मास नंबर 208। ठीक है, ये बनना है आपके पास, इसमें क्वेश्चन लिखो फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा, ये लिख लो पहले, इसमें फिर नीचे लिखो फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्लूटोनियम इनटू लेड, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्लूटोनियम इनटू लेड। तो आपको बताना, अगर प्लूटोनियम को लेड में कन्वर्ट करोगे तो कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल रिलीज हुए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये कैसे सॉल्व होगा, इसको पहले समझो। देखो तो जब भी अल्फा पार्टिकल डिक्रीज होगा तो मास डिक्रीज करेगा, जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो मास डिक्रीज करेगा, पर बीटा पार्टिकल के केस में मास डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले इसमें ऐसे केस में आप क्या देखोगे, मास का डिफरेंस। तो देखो मास पहले कितना था 240 और बाद में कितना होगा मास 208, मतलब कितना डिक्रीज करा 32। और एक अल्फा पार्टिकल, जब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो मास डिक्रीज होता है 4 से। ठीक है, अगर 32 से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा 32/4 कितने होंगे 8। देखो मास का डिक्रीज तो सिर्फ अल्फा की वजह से होता है, बीटा की वजह से नहीं होता है, तो मास का डिफरेंस आ रहा है 32 का, मतलब कि 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज होने चाहिए। इसका मतलब कि क्या होगा कि मतलब 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले क्या करो, मास का डिफरेंस हमने 8 अल्फा पार्टिकल निकाल लिया, ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल आपका रिलीज होगा। ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, तो मास के डिफरेंस के हेल्प से हमने अल्फा पार्टिकल निकाल लिया। अब देखो जो एलिमेंट बना, ठीक है, जो एलिमेंट बना तो क्या होगा आपका, देखो एटॉमिक नंबर देखो 8 × 2 = 16, तो इसमें 16 कम करो तो क्या पहुंचेगा, मेरे हिसाब से गोल्ड पहुंचेगा, ये 78 पहुंचेगा 16, तो ये वैसे गोल्ड होता है एक्चुअल में, नहीं गोल्ड 79, ये आपका प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम 78, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपका। देखो पहले मास के डिफरेंस से निकाला, मास का डिफरेंस था 32 का, इसका मतलब कि 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज होने चाहिए था, तो मैंने 8 टाइम्स का, तो एटॉमिक नंबर 16 से कम होगा, तो 78 पे पहुंच गए और मास इसका है 208। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें तो जाना था भाई लेड में, हमको तो लेड बनाना था, तो लेड का एटॉमिक नंबर है 82 और मास से 208। तो देखो अब आपके पास क्या होगा, अगर लेड पे हमको जाना है तो देखो मास तो सेम रखना है, पर एटॉमिक नंबर देखो 4 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, तभी तो एटॉमिक नंबर 4 से बढ़ पाएगा, तो इसका मतलब किसका आंसर क्या होगा, 8 अल्फा एंड 4 बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर आपके पास मान लो वो आ गया, सपोज करो अरे पॉजिट्रॉन, तो उसका भी कर लेते, जैसे मान लो कि पोलोनियम है, मान लो बिस्मत, चलो बिस्मत अगर एक पॉजिट्रॉन इमिट करोगे, दिस इज पॉजिट्रॉन, तो वैसे केस में क्या होगा, जो बनेगा वो बनेगा लेड और इसका एटॉमिक नंबर 82 एंड मास विल बी रिमेन द सेम। ठीक है, तो ऐसा पॉजिट्रॉन के केस में हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पे, तो एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, क्या ले ले, यूरेनियम क्या ले ले, 92 to 35, तो इसमें वही कुछ अल्फा पार्टिकल है एक्स टाइम और बीटा बाई टाइम है बीटा पार्टिकल,
ठीक है, और इससे एक एलिमेंट बनता है, मान लेते हैं क्या लेड ही बनाते हैं एक्चुअल में, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम लेड ही बनता है। तो लेड का एटॉमिक नंबर 82, थोड़ा मैं सोचता हूँ जरा क्या हो सकता है, ये मास 207, ठीक है ये ले लेते हैं, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे होगा, फटाफट सॉल्व, मास का डिफरेंस देखो, ठीक है तो मास का डिफरेंस तो 235 माइनस 207, तो मेरे हिसाब से 28 आ रहा है ये, ठीक है 28, मतलब कि अल्फा पार्टिकल कितने होगा 28/4, सो 7, मतलब कि एक्स का वैल्यू होगा 7, सो एक्स इक्वल टू आएगा 7, ठीक है। अब समझो कि 7 अल्फा पार्टिकल होंगे, मतलब एक्स का वैल्यू आया 7, तो यहाँ पे देखो 7 हो गया। अगर 7 अल्फा पार्टिकल हो गए सपोज करो, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखो 14 हो गया, अरे 7 अल्फा पार्टिकल मतलब एटॉमिक नंबर 14 हो गए, और उसमें से अगर 14 माइनस करोगे, तो अगर 14 माइनस करोगे 7 × 2 = 14, तो वो फिर से 78 हो जाएगा, 78 होगा, तो इसको 82 करने के लिए इसको फिर से 4 करना होगा। देखो समझो पहले मास का डिफरेंस निकाला, मास के डिफरेंस से पता चला कि भाई 7 अल्फा पार्टिकल होंगे, 7 अल्फा पार्टिकल का मतलब कि एटॉमिक नंबर 14 से कम होगा, तो इसको 14 कम करोगे तो ये 78 हो जाएगा। अगर 78 हो गया तो हमको 82 चाहिए, तो यहाँ पर 4 बीटा पार्टिकल भी करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू होगी 7 एंड y की वैल्यू होगी 4, ठीक है। तो ये हम लोगों का आज हो गया रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में मतलब और भी चीज़ें जैसे हाफ लाइफ हो गया और कुछ सीरीज होता है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।